हाय दोस्तों, मैं आपका दोस्त चुन्नू जी और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल A to Z आओ सीखे पे। अगर आप भी चाहते हैं कि सभी प्रकार के ऑनलाइन फॉर्म का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बाजू में दिए गए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो आज हम बात करने वाले हैं कि पैन कार्ड को आप आधार कार्ड से कैसे लिंक कर सकते हैं और अगर नहीं किए लिंक तो आपको क्या क्या नुकसान हो सकता है। तो पहले हम लिए चलते हैं आपको सीधा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ऑफिशियल साइट पे, जो आप देख रहे हैं। पहले हमको करना क्या है, क्रोम ब्राउजर पे क्लिक करना है, ये जो देख रहे हैं इस पे। और टाइप करना है INCOME। यहाँ पे देख रहे हैं आप, नीचे में लिखा हुआ है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, तो आप इस पे क्लिक करना है। ठीक है, अब देखिए आपको करना क्या है, यहाँ नीचे जो लिखा हुआ है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ये जो है आपका ई फाइलिंग होम पेज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो इस पे आपको क्लिक करना है। अब ये भी जो मैसेज आ रहा है, ठीक है, तो ये मोबाइल स्क्रीन है, तो आप इसको करना क्या है, इसको अनटिक कर दीजिए यहाँ पे, इसको इस पॉपअप को बंद कर देना है आपको। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं अपनी बाईं तरफ, आइए तो यहाँ देखिए ये लिखा हुआ है आधार लिंक, यानी लिंक आधार है, तो अब यहाँ से आपको लिंक करना है। इस पर क्लिक करेंगे, अब देखिए इसमें क्या क्या चीज़ फिल करना है आपको, बहुत ही आसान है, ज़्यादा परेशानी नहीं होगा आपको। तो देख लेते हैं पहले क्या है। तो ऊपर में आप देख रहे हैं ये पैन, तो इस ऊपर वाले जो बॉक्स है इसमें आपको पैन कार्ड नंबर भरना है, और उसके बाद ये नीचे वाला जो है आधार नंबर, तो इसमें आपको आधार नंबर भरना है। उसके बाद जो नेम, मतलब कि जो नाम आपका आधार कार्ड में है वही आपको इस सामने में भरना है। ठीक है, तो आप देख लिए कि सबसे ऊपर वाले खाने में आपको क्या भरना है, पैन कार्ड, सेकेंड वाले में क्या भरना है आधार नंबर, और थर्ड वाले में क्या भरना है जो आपके आधार कार्ड में नाम है वो भरना है। ठीक है, अब यहाँ पे बोल रहा है कि आई हैव ओनली ईयर ऑफ बर्थ इन आधार कार्ड, मतलब क्या बोला जा रहा है कि आप जो, अगर आपका मैच क्या करना चाह रहे हैं आप, कि आपके आधार कार्ड में जो बर्थ है वही आप पैन कार्ड से करना चाह रहे हैं, या फिर जो सेम डेट है, तो जोड़ी नहीं है आपको इस पर टिक करना, इस पर आपको टिक करना नहीं है। ठीक है, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, और आपको लेकिन इस पर आपको करना है जो ये देख रहे हैं, I agree to validate my आधार details with UIDAI। ठीक है, इस पर आपको क्लिक करना है, उसके बाद हम नेक्स्ट करके आगे बढ़ेंगे। अब आते हैं हम इस पर, अगर आप इस वाले पे क्लिक करते हैं तो आपको मोबाइल नंबर देना होगा और उसमें OTP आएगा, और वो OTP से आपको सबमिट करना होगा। लेकिन अगर आप नहीं चाहते हैं तो कोई ज़रूरत नहीं है इसका, आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, ये जो आप देख रहे हैं कैप्चा इमेज जो है, ये जो है वो ठीक जैसा लिखा हुआ है वैसा ही बिल्कुल आपको इस खाने में फिल करना है। अब देखिए और का मतलब क्या होता है, या तो आप ये कर लीजिए या फिर आप OTP मंगवा लीजिए, तो OTP वाला छोड़ देना है, आपको कुछ नहीं करना है। और उसके बाद सिंपल सी है कि आपको इस पे आपको क्लिक करना है, जब ये सारा डिटेल्स फिल कर देंगे तो आपको लिंक आधार पे क्लिक करना है। अगर आपका पहले से लिंक रहेगा तो आपका लिख देगा ऑलरेडी योर पैन कार्ड इज ऑलरेडी लिंकेड करके आ जाएगा, अगर नहीं है तो लिख दिया जाएगा कि आपका पैन कार्ड लिंक के लिए रिक्वेस्ट भेज दिया गया है। ठीक है, बस यही है, बहुत आसान है, खुद से भी भर सकते हैं। तो बस आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।